शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं, महाकाल लोक परियोजना से संबंधित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया है। महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण, वर्ल्ड लेवल पर आधुनिक सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर मंदिर में आने वाले जो लोग हैं उनके अनुभव को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने वाला है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि पूरे क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करना है और हमारे पास जो संरचनाएं बनी हैं उनको सुरक्षित करना है, उनको जीर्णोद्धार करना है। कहीं पर यदि टूट फूट हो रही है तो उसको मरम्मत का काम भी हम लोग करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का करीब 7 गुना विस्तार किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की लागत है 850 करोड़ रुपए। और यदि हम बात करें इस मंदिर का मौजूदा फुटफॉल वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष है, मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यदि हम ऐसा कर देते हैं तो डबल हो जाएगा लोगों का आना। इस परियोजना के विकास की योजना 2 चरण में बनाई गई है, तो पहला चरण का उद्घाटन तो कल हो गया था। तो महाकाल जो पथ रहेगा, यहाँ पर 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के तांडव स्वरूप मतलब नृत्य को दर्शाते हैं। फिर रास्ता के किनारे किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्ति भी बनाई गई हैं। इस रास्ते के साथ साथ बने भित्ति चित्र शिव पुराण में वर्णित सृजन के कार्य, गणेश का जन्म, सती और दक्ष की कहानियां यहाँ पर हमको दर्शाई गई हैं। इस एरिया का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये कमल के तालाब से घिरा हुआ है जिसमें पानी के फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति लगी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की 2400 घंटी निगरानी की जाएगी। इसके बाद वाली सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं UNWGIC से संबंधित। UNWGIC इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पाइटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा, शॉर्टकट में कहें तो UNGGIM के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल कोलेब्रेशन को इन्हेंस करना जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में, और जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर आ जाते हैं जियोस्पाइटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कैपेसिटीज में, तो जो भी मेंबर स्टेक हैं, रिलेवेंट जो स्टेक होल्डर हैं कहाँ पर, जियोस्पाइटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कैपेसिटीज में, इनका कलेब्रेशन करने का इसका उद्देश्य होता है। टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो ये कंडक्ट कराया जाता है हर 4 साल में। पहली बार UNWGIC को ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना के द्वारा अक्टूबर 2018 में। थीम ऑफ सेकेंड UNWGIC क्या थी? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विनेज। तो UNGGIM की यदि हम बात करें तो UNGGIM का उद्देश्य है कि हमें एक लीडिंग रोल प्ले करना है ताकि हम सेट करें एक ऐसे एजेंडे को जो कि ग्लोबल जियोस्पाइटल इंफॉर्मेशन में विकास ला सके। इसके साथ साथ में प्रमोट करना है कुछ की ग्लोबल चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए प्रमोशन करना। ये काम करता है, इट वर्क्स टुवार्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 के हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा तय करे हैं उसके हिसाब से ये काम करता है। एंड टू कीप द प्रोमिस टू लीव नो वन बिहाइंड, और उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना हटे। 2009 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिक्स डिवीजन ने आयोजित किया था, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, एक इनफॉर्मल कंसुलेटिव मीटिंग विथ जियोस्पाइटल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
कंसल्टेटिव मतलब परामर्श किया। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजीज, भू स्थानिक टेक्नोलॉजी हम किसको बोलेंगे, तो जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजी टर्म का उपयोग हम करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉडर्न टूल्स की रेंज है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है जियोग्राफिक मैपिंग में, ठीक है, भौगोलिक रूप से मैपिंग के लिए इन टूल का हम इस्तेमाल करते हैं और एनालाइज करते हैं अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ का। दिस टेक्नोलॉजी हैव बीन इवॉल्विंग इन सम फॉर्म सिंस द फर्स्ट मैप्स वर ड्राउन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। बताया जा रहा है हम इन टेक्नोलॉजी का बहुत पुराने टाइम से भी, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं, जब पहली बार हमने नक्शा तैयार करे थे। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ द फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन एंड मैप मेकिंग वाज एक्सीलरेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही इस प्रकार से मैपिंग के काम में तेज़ी आई थी, और ड्यूरिंग कोल्ड वार मतलब 1945 से 1989 के दौरान। ब्रॉडली यदि हम बात करें, इसमें शामिल होते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये एक इमेजरी और डाटा होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है स्पेस से, अंतरिक्ष से, या फिर एयरबोर्न कैमरा, हवा में जो कैमरा चला रहे हैं आप उनसे, या फिर सेंसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी के अंतर्गत GIS भी आ जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं शॉर्टकट में इसको हम। तो GIS क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जिससे हम कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, चेक करते हैं और डिस्प्लेइंग करते हैं डेटा को, जो कि रिलेटेड होता है अर्थ की जो सरफेस है उसकी पोजिशन को बताने का काम करता है। फिर आ जाता है GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो देखिए, कोई भी जो सैटेलाइट कॉन्सिलेशन है, सैटेलाइट का जो समूह है जो कि प्रोवाइड करता है पोजिशनिंग, नेविगेशन मतलब आप यदि यहाँ से निकल रहे हैं, आपको कोई एड्रेस पहुँचना है उसके लिए जो आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड PNT टाइमिंग सर्विस ऑन ए बेसिस ऑफ ग्लोबल और रीजनल बेसिस। एक आ जाता है 3D स्कैनिंग, तो 3D स्कैनिंग भी इसी के अंतर्गत शामिल है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इसके माध्यम से हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं या फिर एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि कलेक्ट कर सकें डाटा ऑन इट्स शेप एंड पॉसिबल इट्स अपीयरेंस। ये आकृति कैसे दिख सकती, हम इसको बनाएंगे तो ये कैसे बनेगी, इसका एनालाइज किया जाता है इसके माध्यम से। इसके बाद वाली PIB की न्यूज़ हमारी है जयप्रकाश नारायण से संबंधित। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ जानकारी हम देखने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, तड़के बिहार के सुदूर गांव सिताब दियारा में हुआ था। समाजवादी या फिर जिसको हम मार्क्सवादी प्रभाव बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए, जहां वे मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने मार्क्सवादियों द्वारा वकालत की जा रही पूंजीवाद के प्रसार को रोकने के लिए क्रांति के अंतिम समाधान को खारिज कर दिया था, मना कर दिया था, एवं उसके स्थान पर समाजवाद की वकालत करी थी। समाजवाद होना चाहिए इनका ऐसा कहना था। जयप्रकाश नारायण का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, गांधी जी के साथ इनका जुड़ाव था। 1921 में वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और 1932 में उन्हें एक साल के लिए जेल भी भेजा गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के और कौन कौन सदस्य रहे थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता। द्वितीय युद्ध की यदि बात करें तो 1939 में
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से भारतीय भागीदारी का विरोध करने के कारण कैद कर लिया गया था, किंतु वे भागने में सफल रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध को संगठित करने का प्रयास भी किया था। 1943 में इनको फिर से पकड़े और जेल में डाल दिया गया। उन्हें 1946 में रिहा कर दिया गया और उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करी थी। स्वतंत्रता के बाद इनका क्या भूमिका रहा है? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसको PSP का गठन इन्होंने किया था, 1948 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बाद में 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। भूदान आंदोलन में भी इनकी भागीदारी रही थी। 1954 में उन्होंने अपना समय विशेष रूप से विनोबा भावे की लीडरशिप वाले भूदान आंदोलन को समर्पित कर दिया था, जिसके अंतर्गत जो गरीब किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मींदारों से लेकर के गरीब किसानों को ज़मीन दिलाने का ये काम करते थे। 1974 में संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान किया था। तो जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, तो उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1974 में सामाजिक परिवर्तन, मतलब संपूर्ण क्रांति इसको बोला था, और एक कार्यक्रम लाने के लिए इन्होंने कहा था। भारत रत्न, स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों और दलितों के उत्थान में उनके अमूल्य योगदान के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 11 अक्टूबर को इनकी जयंती सेलिब्रेट करी जा रही है। प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया था। तो ये न्यूज़ आई थी, इसलिए हमने जयप्रकाश लोक नारायण के बारे में जानकारी देखे थे। इसके बाद भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर भी प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके बारे में हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। पहली बार इतिहास में बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 में, यहीं से प्रपोजल मिला था कि हमें कुछ एक्शन प्लान लेना चाहिए टू एडवांस द राइट्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बच्चियों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 1995 में पहली बार इसकी वकालत की गई थी। फिर 2011 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन को 66-170 से, ताकि हम डिक्लेयर कर सकें 11th अक्टूबर एज इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। 2022 की थीम क्या रही थी? 2022 की थीम थी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। महिलाओं से संबंधित ये चीज़ें लिखी हैं। इसके महत्व की यदि हम बात करें तो ये जो दिवस है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रिकॉग्नाइज कर सके हम गर्ल्स के अधिकार को, और यूनिक चैलेंजेस गर्ल्स फेसेस अराउंड द वर्ल्ड, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना कर रही हैं आज के टाइम में लड़कियाँ। द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड फोकसेस अटेंशन ऑन द नीड टू एड्रेस चैलेंजेस गर्ल्स फेस एंड टू प्रमोट गर्ल्स एम्पावरमेंट एंड द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो कैसे करके हम उनको एड्रेस कर सकते हैं बच्चियों के, तो ये उस पर फोकस करता है। जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम बात करें ना, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि महिलाएं फेस कर रही हैं, गर्ल्स चाइल्ड फेस कर रही हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड पोइटिसाइड, मतलब महिलाओं आजकल पता है हर कोई चाहता है कि हमारा लड़का हो, तो जब उनको पता चलता है कि गर्भ में पल रहा शिशु बच्ची है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ जो है इंडिया में दिखाई देती हैं। सेकेंड नंबर की बात यदि हम देखें तो गर्ल चाइल्ड, हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की घटनाएं अभी भी कम नहीं हुई। हर साल कम से भी कम 1.5 मिलियन जो लड़कियां हैं 18 साल से कम उम्र की में उनकी शादी हो जाती है। लगभग 16% जो किशोर कन्याएं हैं जिनकी उम्र 15 से 19 है, आज के टाइम में उनकी शादी हो गई है। तो ये इंडिया का डाटा है। तो इस प्रकार के ये चैलेंजेस वो आज के टाइम में फेस कर रही। इसके अलावा डिवॉइड ऑफ एजुकेशन,
एजुकेशन के मामले में भी वो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। जैसे कि इंडिया के बारे में बताया जाता है, एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च है वुमेन, यहाँ से पता चला है आउट ऑफ स्कूल आर 3.4 टाइम्स मोर लाइकली टू बी मैरिड और हैव देयर मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड देन गर्ल्स हु आर स्टिल इन स्कूल। तो यदि आप ये देखोगे कि कितनी बच्चियां जो हैं स्कूल में पढ़ रही हैं और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है या फिर उनकी शादी फिक्स हो गई, तो ये डाटा आप उठा करके देखोगे तो लगभग 3-3.5 गुना हो जाता है। भारत में कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 में लॉन्च की गई थी ताकि जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है उसको रोका जा सके और चाइल्ड सेक्स रेशो जो घट रहा है इसको हम बढ़ा सके। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि पेरेंट्स को इनकरेज करना है कि वो इन्वेस्ट करें और बिल्ड करें एक फंड ताकि लड़की का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, उसको फ्यूचर में पढ़ाई करवा सके और शादी में जो पैसा लगना है वो पैसा भी अच्छी तरह से फिर वो खर्च कर सके। इसके अलावा CBSE उड़ान स्कीम है, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल भी चल रही है। तो इस प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। तो द हिंदू की पहली खबर आई है हमारी IMF से रिलेटेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोला जाता है। तो IMF के फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1944 में 8 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। फिर IMF ने अपना काम चालू कर दिया था 27 दिसंबर 1945 से। शुरुआत कहाँ से होती है, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। काम कब से चालू कर देता है, 27 दिसंबर 1945 से, एक साल बाद। आज के टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोकस करता है, ठीक है, कि जो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन है उसको फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देशों की बनी रहे। इसके अलावा फैसिलेटिंग मतलब कि अभिनंदन करना एंड प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व लेवल पर ट्रेड को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, ये सारे काम ये करता है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी मानी जाती है IMF। IMF इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इनिशियली इसका निर्माण किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1944 में। 45 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम में प्रेजेंट थे कॉन्फ्रेंस में ताकि डिस्कस कर सकें एक फ्रेमवर्क के ऊपर, पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, जो वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद कैसे करके हमको इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है। 27 दिसंबर 1945 से इसने काम चालू कर दिया था। उस टाइम में 29 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी जो कि एग्री हो गई थी कि हम इस ट्रीटी के साथ में बाध्य हैं या बाउंड हैं। इसने फाइनेंशियल ऑपरेशन चालू करा था 1 मार्च 1947 को। आज के टाइम में 189 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ये एक की ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि फोकस करता है इंटरनेशनल कैपिटल, अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी है उसको रीबिल्ड करेगा और मैक्सिमाइजिंग द नेशनल इकोनॉमिक सोवरेनिटी एंड ह्यूमन वेलफेयर। रेगुलेटरी कुछ काम इसको दिए गए हैं। इसका जो काम है एज ए रेगुलेटरी बॉडी और एज पर द रूल्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ये फोकस करता है प्रशासन से संबंधित मुद्दे, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन भी इसको सौंपे गए हैं। IMF प्रोवाइड करता है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है इसके मेंबर कंट्रीज़ को, ठीक है।
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, BOP जिसको बोला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम। यदि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा रहा है तो उस टाइम में भी पैसा ये प्रोवाइड करता है। कंसल्टेटिव फंक्शन भी हैं इसके। तो IMF इज एक सेंटर है किसके लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। ये काम करता है एज ए सोर्स ऑफ काउंसिल एंड टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्रीज। तो इसमें एक गवर्नर रहेगा और एक अल्टरनेट गवर्नर रहता है किसके लिए, हर मेंबर कंट्री के लिए। प्रत्येक मेंबर कंट्री अपॉइंट करता है इट्स टू गवर्नर, अपने दो गवर्नर वो अपॉइंट करेंगे। न्यूज़ के लिए हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी उसका फोरकास्ट किया है 6.8%, मतलब कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी उसमें गिरावट दर्ज की गई है। द फंड सिटीज साइट्स यूक्रेन वार, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक एज ए की रीजन। इट एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन इन द कंट्री टू रिटर्न टू द टॉलरेंस बैंड इन द फिजिकल ईयर 2023-24। कुछ कुछ मेन रीजन यहाँ पर बताए गए हैं, वो रीजन कौन कौन से हैं, देखिए यूक्रेन का वार चल रहा है, इसके साथ साथ में महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही भारत में, इसके अलावा कोरोना का जो असर है ना उसने भी भारत की ग्रोथ रेट को प्रभावित किया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा 6.8 की ग्रोथ रेट रहेगी, RBI कह रहा 7% की, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.5% की ग्रोथ रेट रहने वाली है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कि कितनी सारी ITI की याचिकाएं हैं, ITI के आवेदन हैं जो कि आज के टाइम में पेंडिंग चल रहे हैं। मार्च 2019 की बात करें तो 218,000 थे, जून 2021 की बात करें तो 286,000 थे, और 2022 में ये डाटा बढ़ करके 314,000 हो गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कितने सारे ऐसे केसेस हैं, कितने सारे आवेदन हैं RTI एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग है। आज के टाइम में आप सोच लीजिए 300,000 कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं, अपील पेंडिंग है 26 इंफॉर्मेशन कमीशंस के सामने पूरे देश भर में। ये रिपोर्ट हमें मिली है सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा कि कितने सारी अपील्स बैकलॉग कंप्लेंट्स इंक्रीज होते जा रही हैं कमीशन के सामने हर साल में। यहाँ पर अलग अलग साल में कितना कितना डाटा ये बताया जाता है। 2020 में 218,000 था, ये बढ़ करके 233,000 हो गया था 2021 में, और फिर बताया जाता 2022 में 314,000 केसेस पेंडिंग हैं। हमने RTI के लिए जो कमीशन बनाया है इसमें बताया जा रहा है केवल 5% ऑफ ऑल पोजीशन इन कमीशंस आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द वुमेन। अब आप देख लीजिए महिलाएं कितनी कम इस चीज़ में शामिल हो पाई। इसके साथ साथ में कई सारे जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसमें इंक्लूड है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये काम कर रहा है एट रिड्यूस कैपेसिटी विथ लेस देन स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ मेंबर्स बीइंग इन ऑफिस। अब ऑफिस में आपके पास स्टाफ ही नहीं रहेगी, सरकार भर्ती ही नहीं करेगी तो काम में पेंडिंग आना ही है। तो RTI कानून के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कमीशंस आर द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी, ये क्या है, फाइनल अपीलेट अथॉरिटी मानी जाती है एंड आर मैंडेट टू सेफगार्ड एंड फैसिलिटेट पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इनके लिए एकदम अनिवार्य है कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपको सूचना दे नहीं पड़ेगा। एक एनालिसिस किया जाता है किसका, पेनाल्टीज़ का, जो कि इम्पोज की गई थी, बताती है कि कमीशंस डिड नॉट इम्पोज पेनाल्टीज़ इन 95% ऑफ द केसेस। 95% केसेस तो ऐसे हैं जिसमें ये कमीशन क्या नहीं कर पा रहा है, पेनाल्टी ही नहीं लगा पा रहा है, जो कि पोटेंशियली रूप से इम्पॉसिबल रहेंगी। एक सेपरेट रिपोर्ट है किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, 1/4
इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट वैकेंट हैं और केवल 5% ही, केवल 8 महिलाएं वुमेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हमारे देश भर में। टोटल 165 पोस्ट में से देखा जाए 42 तो खाली हैं, इंक्लूडिंग 2 चीफ स्टेट कमिश्नर, इसमें 2 तो स्टेट के चीफ कमिश्नर की पोस्ट खाली है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बेटी पढ़ाओ स्कीम से संबंधित, ठीक है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्यूसडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि हम इंक्लूजन करेंगे स्किलिंग ऑफ गर्ल्स, मतलब कि लड़कियों को हम स्किल प्रोवाइड करेंगे। इसमें नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड NTL ऑप्शंस इन इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, इसमें इंक्लूड किया जाएगा NTL को। ये जो स्कीम है ये फोकस करेगी किस बात पर, हमें इंक्रीज करना है इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला लें, इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं स्टेम में, स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। वुमेन हैव बीन हिस्ट्रिकली अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, देखा जाए ना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, इस मामले में उनकी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो जब अनाउंस किया जा रहा था एक नए इंक्लूजन को इस स्कीम में, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने जोर दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक। उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है अभिसरण, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में समायोजन बैठाना, सब मिलकर के काम कर सकें, तब जाकर के हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन और महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं। सरकार ने हमेशा से ही इनकरेज करी है कि हम महिलाओं को एम्पावर करें, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी उद्देश्य है, जो भी अपनी च्वाइस है, उसको फुलफिल कर सकें। एक बात यहाँ पर और हमको ये ध्यान रखना है कि एक ऑपरेशंस मैनुअल, क्यों, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें इस स्कीम को हर ज़िला में, ठीक है। इसकी भी लॉन्चिंग की गई थी इसी इवेंट के दौरान। एक नेशनल लेवल की कमेटी जिसके हेड रहेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्या है, अपेक्स कमेटी रहेगी, सबसे बड़ी कमेटी रहेगी, ताकि रिव्यू कर सके, ठीक है, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को रेगुलर इंटरवल में विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, ऐसा प्रशासन का कहना है। इसके बाद एक और न्यूज़ आई है, ठीक है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, चंद्रचूड़ को नॉमिनेट कर दिया गया है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हाल ही में यू ललित थे, इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एज हिज सक्सेसर, उनका सक्सेसर बन जाएंगे। इन ए ब्रीफ मीटिंग हेल्ड 8 सुप्रीम कोर्ट जजेस, एक मीटिंग का आयोजन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अब बताया जा रहा चीफ जस्टिस ऑफ ललित, इन्होंने रिकमेंड किया था टू द गवर्नमेंट वुड स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ एज 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। जुडिशियल करियर की यदि हम बात कर लें तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ है ना, अपॉइंट किए गए थे एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 13 मई 2016 को। इसके पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट रहे थे फ्रॉम अक्टूबर 31 से 2013 से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने चालू किया था अपने कैरियर को एज ए जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 29 मार्च 2000 को, अनटिल हिज अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो हम कल बात किए थे कि चुनाव आयोग ने कहा है शिवसेना के जो दो लीडर थे, एक एकनाथ शिंदे जो कि आज के टाइम में
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री और दूसरा उद्धव ठाकरे, उनको कहा है आप दोनों ही शिवसेना का जो सिंबल है उसको यूज़ मत करिए, आपको नया चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाएगा। तो जो देखिए अब जो शिवसेना पार्टी है शिवसेना, अब उसका नाम भी चेंज हो गया है, बाला साहेबंची शिवसेना नाम, जो सिंधे गुट के लोग हैं उनको ये नाम दे दिया गया है। और चुनाव चिन्ह की यदि हम बात करें तो दो तलवार और एक ढाल चुनाव चिन्ह का ये लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा था और ये जानकारी प्रोवाइड किया था। तो ये नामकरण की प्रक्रिया कैसे चालू हुई थी, दोनों ही कहना चाहिए ग्रुप को इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि सबमिट करिए एक लिस्ट को, 3 नेम्स आप सजेस्ट करिए, सिंबल सजेस्ट करिए ईच बाई मंडे। द पोल बॉडी अलॉटेड द ठाकरे फैक्शन द फ्लेमिंग टॉर्च, ठीक है, जलती मसाल किसको दे दिया चुनाव चिन्ह, ठाकरे को। बट नोन ऑफ द 3 ऑप्शंस गिवन बाई मिस्टर शिंदे वर एग्रीड टू ऑन मंडे एंड ही वॉज आस्क टू सबमिट न्यू चॉइसेस बाई द ट्यूजडे। इनको कहा गया है ट्यूजडे के दिन कि आप एक नई चॉइस लेकर के आइए। शिंदे ने सबमिट किया था 2 ऑप्शन, पहला था सन और दूसरा था 2 तलवार और स्वॉर्ड। तो जो ढाल तलवार है ना वॉज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ 3 सिंबल एंड रिसेम्बल एंड सिंबल ऑफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2 स्वॉर्ड एंड शील्ड।